bismillahirrahmanirrahim assalamu Alaikum rahmatullahi wa Barakat dear watcher dear subscriber dear parents dear teachers hope you will be fine and in the highest state of iman and health myself professor Amiraza, raza leadership business coach master trainer language trainer so today we're gonna talk about uh, and we're gonna train about and we're gonna uh, teach about the second part and second lecture <clears throat> of uh, book four, new oxford modern english city lyceum so or oh, city lyceum and uh, grade four so uh, unit number one and uh, part two so let's get started डी वाची सब्सक्राइबर उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे मैं मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप बिज़नेस कोच मास्टर ट्रेनर लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा और पी पी लॉन्ग स्टॉकिंग की तरफ जाने से पहले मेरा जो पार्ट वन का लेक्चर है उसके अंदर जो है बिना सोचे समझे कुछ अब आप ने जो है ना वो बिना पूरा लेक्चर सुने या बिना जो है ना वो बरकेफ मैं जो है वो किसी को वो इस चीज़ की तरफ जो है ना वो इशारा किए बग़ैर मैं कभी भी अपने जो है ना वो सीखने का कोई लम्हा कोई जो है वो लहजा वो हाथ से नहीं जाने देता एक लफ्स और जुमले का एक हिस्सा कट जाने की वजह से वो जो एडिटर की बेसिकली ग़लती हुई है और वो एडिटिंग के दौरान जो है ना वो हिस्सा कट गया था तो जिसकी वजह से थोड़ी सी एक एम्बिगटी पैदा हुई तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर एंटरटेन करके तो फिर आगे जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर दूँगा गुज़ारिश ये है कि मैं जहाँ पे जो है ना वो रेप ऑफ द लॉक की बात कर रहा था जहाँ पे मैं लॉन्ग टेल की बात कर रहा था वहाँ पर मैं दर हकीकत जो है वो जो ई का जो पूरा ना मतलब पी पी का जो पूरा करैक्टर है ना मैं उसकी करैक्टर स्केच की बात कर रहा था जो फिक्शियस प्रॉपर करैक्टर है ना जो पूरा ये मैं उस करेक्टर की बात कर रहा था कंप्लीट जिसके अंदर उसके लॉन्ग स्टॉकिंग भी मौजूद है और जिसके अंदर उसकी जो है वो जो है लॉन्ग जो उसकी यानी जो लटें हैं यानी लॉक्स हैं जो उसके ल, बाल जो आ, कर्व किए हुए हैं दोनों साइड पे जो उसकी जो है ना वो पोनियाँ बनी हुई हैं टेल के साथ वो भी मौजूद है मैं बेसिकली वहाँ पर जो है वो ये बयान करना चाह रहा था तो चांदा बाब ने मैसेज किया कि जी आपने लॉन्ग स्ट्रोकिंग का शायद वहाँ पे तर्जमा ये कर दिया है ये बात नहीं है अगर वह हुआ भी है तो मैंने वैसे लेक्चर दोबारा सारा सुना है ख़ुद से और डेफिनेटली जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा होता हूँ तो इतना तो अलहदुल्ला जो है ना वो अजबर होता है कि क्या बयान किया जा रहा है या क्या बयान करने जा रहा हूँ लेकिन मैंने जो है ना वो जब कॉमेंट आए तो मैंने फिर उसको दोबारा से जो है ना वो रीड किया और सारा लेक्चर सुनने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ एक जुमला जो है वो कटा हुआ था तो मैंने बजाय इसके कि मैं वो सारा लेक्चर जो है ना वो नए सिरे से दोबारा अपलोड करता तो चूँकि ऑलरेडी चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई हैं ओरिजिनल को जो है ना मैं अगर अपलोड कर भी दूँ तो डुप्लीकेट हो जाना है। तो उसकी वजह से वो जो है यूट्यूब है उसने डुप्लीकेसी का चार्ज लगा के ऑटोमेटिकली वो एक को जो है ना डेड कर देना था या उसको अपलोड ही नहीं होने देना था तो मैंने फिर बेहतर ये समझा कि मैं आपको जो है ना जो उसका ये पार्ट टू आपके सामने आएगा तो मैंने ये सोचा कि मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ उसके ऊपर कि उसमें बुनियादी तौर पे जब मैंने फ़िक्शियस करैक्टर की बात की ना फिक्शनल करैक्टर की बात की जो स्वीडिश राइटर जो हैं फीमेल राइटर जो है, है उन्होंने जो है ना वो बनाया उस उन्होंने जो बयान किया है उसके अंदर जो बयान किया है उस करेक्टर की उन्होंने ये बताया कि दो चोटियाँ भी हैं और दो साइडों पे जो है ना वो बालों की लटें भी जो है ना वो फोल्ड की हुई हैं वो जो होती हैं छोटी छोटी है, प्रानियाँ सी या प्रांदा से बने हुए दोनों तरफ जो है ना एक तो प्रांदा होता है ना पीछे पूरा आप बालों को पीछे ले जाके तो जो साइडों पे इस पर अब एग्जैक्ट जो है ना वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि इस को आप जो है ना वो टेल वाली पोनिया भी सुना है और एग्जैक्ट अगर आपके ज़ेहन में कोई परमानेंट इसके लिए वर्ड हो तो वो मुझे ज़रूर गाइड कर दीजिएगा तो मैं उस करेक्टर स्केच को जब बयान कर रहा था तो उसकी खसूसियात के अंदर मैंने लाइंग जो है वो लॉन्ग स्ट्रोकिंग के साथ साथ यानी लॉन्ग लेगी के साथ साथ मैंने जो है ना वो ये बताया के जो है ना वो दूसरा पॉइंट ये था कि जी देखें किताब के अंदर जो है ना वो उन्होंने लॉन्ग सॉक लिखा हुआ है मैं बार हाँ बारे दीगर मैं आपको ये बात जो है ना वो मैं आफाक के सिलेबस के अंदर तिफली के सिलेबस के अंदर पैरामाउंट के सिलेबस जो मैंने पढ़ाए हैं आपको मैंने उर्दू के अंदर इंग्लिश के अंदर साइंस के अंदर बीसियों गलतियां निकाल के मैंने ये बताया आप लोगों को कि यह कातब की गलती है यह कंपोजिंग की गलती है यह प्रिंटिंग मिस्टेक है तो कोई ही ही है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें जो है प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती लॉन्ग स्ट्रोकिंग आप जो है वो गूगल गुग, कर सकते हैं और उसके अलावा जो है वो आप उसके अंदर जो है मज़ीद उसको जो है वो देख सकते हैं आप डिक्शनरी के अंदर उसको सर्च कर सकते हैं यूजली जो है वो उन्होंने आपकी आसानी के लिए अगर लॉन्ग शॉक बोल दिया है या लिख दिया है तो एक सेपरेट चीज़ है लेकिन मैंने जो उसको थॉरली आपको डिटेल में बयान किया है वो वो चीज़ बयान की है जो इस वक्त एक्चुअल वहाँ पर जो उनका कल्चर है उसके अंदर जो है वो उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना मैं अजरबैजान जब लास्ट टाइम गया था तो वहाँ पे चूँकि रशियन कल्चर अवेलेबल है तो उसके अंदर जो है वो लॉन्ग स्टॉकिंग जिस अंदाज से पहनी जाती है और उसके असरात जो है वो वहाँ पर उनके जो है ना वो मौजूद हैं तो मैंने उसको थर जो है ना वहाँ पर स्टडी किया है तो उसके हिसाब से जब आपको जो चीज़ दी है वो दी है जो आँखों देखी है जो सिर्फ जो है वो किताबी नहीं है जो सिर्फ जो है वो बाबी नहीं है कोई सदरी नहीं है कोई जो है ना वो जो चीज़ अपनी आंखों से देखी वही चीज़ आपके सामने जो है ना वो एक्चुअल जो है वो बयान भी की है और वही आपको जो है वो बताई भी है ठीक है जी तो इस हवाले से उम्मीद है कि आपको जो है ना वो ये चीज़ अब कवर होगी होगी तो वहाँ पे जो है नब जब फिक्शियल फिक्शियस करेक्टर की जो है वो डिटेल में बात हो रही थी तो उसके जो है ना वो दोनों तीनों खासियात जो है ना वो मैंने वहाँ पर बयान की थी और अब हम जो है ना वो सबक की डिटेल की तरफ चलते हैं जी बकिया इसे की तरफ सो लेट्स गेट स्टार्टेड चलिए शुरू करते हैं जी एंड शुड वी एक्सपेंड टू आई थिंक यहाँ तक हो सकता है ठीक है जी सो so, लास्ट था जी फ्रेकल्स डॉटेड फ्रेकल्स जो मैंने आपको वहाँ पे जो है ना वो क्लोज़ किया था तो ये जुमला पीछे उसके साथ मैं बयान कर चुका हूँ इट मस्ट बी एडमिटेड उसके नाक के नीचे जो मुंह था वाज अ वेरी वाइड वन वो काफ़ी चौड़ा था पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने नसीबो लाल का जो है, वो पहली जो वीडियोस देखी हुई हों तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, बाद में तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी तो उसके अंदर जो है उनके जो होट थे वो काफ़ी ज़्यादा वाइड थे ठीक है तो इसी तरह जो है ना वो और विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ ठीक है उसका मुंह काफ़ी खुला था मुंह का दहाना मुंह का जो है ना वो एरिया काफ़ी खुला था और स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ और बहुत चमकते हुए जो है वो तेज़ और जो है ना वो स्ट्रांग यानी कि मज़बूत दांत वो भी मौजूद थे अब यहाँ पे जो है ना हम करैक्टर स्केच ले रहे हैं सारे का सारा जो है ना वो हमें राइटर जो है वो करैक्टर स्केच दे रहा है और फिर उसके आगे कारनामों की बात होगी हर ड्रेस उसका जो ड्रेस था वाज रैदर अनयूजुअल वो कदरे जो है वो अनयूजुअल यानी रोज़मर्रा से हट के था जैसे उसने पहले बयान किया कि गर्मियों का जो है ना मौसम है पार्ट वन के अंदर जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था जो है गर्मियों का मौसम था और गर्मियों के मौसम के अंदर जो है आपने देखा कि गर्मियों के मौसम के अंदर जो है वो उसने जो है वो लॉन्ग स्ट्रोकिंग जो है वो पहनी हुई है जो कि कदरे गर्म होती है और इसमें दो चीज़ें होती हैं लॉन्ग स्ट्रोकिंग के अंदर भी जो है न वो चार पांच मुख्त मॉडल हैं और जो फ़िल्मों में ज़्यादा दिखाया जाता है वो नेट लॉन्ग स्ट्रोकिंग होती है यानी नेट की बनी हुई होती है और उसके बाद फिर जो है ना वो लेगी टाइप जो तो होते हैं वो थोड़ा सा मोटी होती है वो मतलब जैसे स्वीटर्स आपके बनते होते हैं ना जिसको आप पंजाबी में या उर्दू में स्वेटर बोल देते हैं वो जो स्वीटर्स होते हैं जितने मोटे वो होते हैं वो उसी हिसाब से होती है या फिर जो मोटी आपकी जो सॉक्स होती हैं जितनी वो होती हैं या लेगी आपकी जितनी मोटी होती है एग्जैक्ट वो उसके जो है वो या फिर जो आपका जो टाइट्स होते हैं या जो पजामाज होते हैं उनके हिसाब से जो होते हैं तो उसके जो है ना वो साइज़ में भी जो है वो या उस हिसाब से भी जो है वो मोटी हो सकती है ठीक है जी पी पी और इपी इपी हैज़ मेड इट हर सेल्फ उसने ख़ुद को जो है वो बनाया बनाया शी हैड मींट इट टू तो बी ब्लू और वो यानी कि अपने कपड़ों के अतबार से या उसके जो उसने पहन रखा था उसके हिसाब से वो बिल्कुल नीले रंग में जो है वो नजर आती थी या ख़ुद को जो है ना वो नीला हट में उसने जो है ना वो डाल रखा था बट देर वजन क्वाइट एनफ ब्लू क्लॉथ्स लेकिन उसके पास मुकम्मल ब्लू क्लॉथ्स नहीं थे यानी सारे ब्लू नहीं थे सो पी पी हैड और इपी हैड स्वीट स्यूड लिटल रेड पीसज़ ऑन इट हेयर एंड देयर अच्छा अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा सारा लिबास जो है अब यहां पे राइटर जो जो आपको स्केच दे रहा है है कि सारा लिबास जो है, वो क्या क्या था था सारा लिबास जो है वो क्या था? वो ब्लू नहीं था लेकिन ही वो ब्लू था तो उसके अंदर उसने रेड पैचिस जो है वो लगाए हुए थे सुर्ख रंग के उसमें बीच में उसने जो है ना पैबंद लगाए हुए थे तो अब ये जो है ना एग्जैक्ट जोकर का सा जो है ना वो एक ये पिछले वो में जो है ना हमें ये वर्ड याद नहीं आ रहा था हमने जगलर और वो सारे ढूंढ लिए थे जोकर जो होता है उसके भी आप जो है ना वो कपड़ों को अगर देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना वो ऐड करके तो एक जो है ना वो लफिंग स्टाक सा बनाया होता है हंसी का गोल गप्पा टाइप जो है ना वो बनाया होता है तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट जो है वो यही सूरत हाल है जो राइटर जो है ना वो हमें समझाना चाह रहा है ऑन इट हेयर एंड देयर और यहाँ वहाँ यानी कि उसने अपने पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना बॉडी समरा दी है कि उसके कपड़ों के ऊपर जो है वो ये पैचेस जो है वो लगे हुए थे ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स उसकी पतली और लंबी टांगों पर शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स उसने लॉन्ग स्टॉकिंग्स का जो है ना वो एक पेयर जो है वो ये पेयर यहाँ पर क्यों आया थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पेंट को जो है ना वो पेंट ही बोल दिया जाता है लेकिन ये चूँकि इसके दो जो है ना वो होते हैं हिस्से होते हैं तो इस वजह से इसको हमेशा पेयर्स के साथ बोला जाता है इसी तरह जो सीज़र होती है कैंची होती है उसको भी पेयर्स के पेयर्स ऑफ सीज़र बोलते होते हैं जब उसके दोनों हिस्सों की बात करनी हो हमने तो इसी तरह पेंट्स होती है तो पेयर ऑफ पैंट्स बोला जाता है जब उसके दोनों हिस्सों की बात करनी हो तो जब उसने दोनों टांगों पर पहनी हुई है तो यहाँ पर ये बात कर रही की जा रही है वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए के जो है ना वो एक ब्राउन है आप तस्वीर के अंदर भी उसके देखेंगे तो आपको एज इट इज़ नज़र आएगी एक ब्राउन है और दूसरी वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक दूसरी क्या है ब्लैक है शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़ शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़ और उसके ऊपर जो है उसके साथ उसने काले रंग के जो है ना वो जूते पहन रखे हैं दैट व एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज आर फीट और वो ट्वाइस दोनों के दोनों एज लॉन्ग लॉन्ग इतने लंबे हैं जितने कि उसके पाँव ठीक है जी हर फादर हैड बॉट दीज शूज़ फॉर हर इन साउथ अमेरिका उसके वालिद ने ये जूते उसके लिए जो है ना साउथ अमेरिका से ख़रीदे सो दैट पी पी और इपी इपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इन टू समथिंग टू ग्रो इन टू और तकरीबन जो है वो इपी उन्हीं के साथ जो है ना वो बड़ी हुई या उन्हीं को पहनते पहनते जो है वो बड़ी हुई शी लव देम एंड शी नेवर वांटेड टू वेयर एनी अदर्स वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई और उनको पहने ठीक है जी तो यहाँ पर मुराद जो है ना वो थोड़ा सा उसने उसके हालात के भी जो है ना वो नक्शा खींचा है थोड़ा सा ये भी जो है ना वो बट थिंग दैट मेड टॉमी एंड एनिका ओपन देयर आईज वाइडेस्ट ऑफ ऑल वाज़ द मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रोंग ऑन स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर बट द थिंग दैट मेड टॉमी लेकिन जो चीज़ जो है ना वो टॉमी और एनिका को जो है ना जिसने बनाया या जिसको जो है ना वो मजबूर कर दिया उसकी तरफ ध्यान करने को ओपन देयर आइज़ कि उन्होंने अपनी आँखें खोली वाइडेस्ट बहुत खुले से यानी यह मुराद यहाँ पे ये यह आ रहा है कि जब आप किसी चीज़ को देख के हैरान होकर आंखें आपकी खुली की खुली रह जाती हैं ना उस चीज़ की जानब जो है ना वो इशारा है ऑफ ऑल वाज वो क्या था द मंकी एक जो है वो बंदर का बच्चा या बंदर बंदर सिटिंग बैठा हुआ था ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर उस अजीबो गरीब लड़की के कंधे के ऊपर इट वॉज़ अ लिटल मंकी ये एक छोटा बंदर था या बंदर का छोटा सा बच्चा था ड्रेस्ड इन ब्लू पेंट्स उसको भी जो है वो नीले रंग की पैंट्स पहनाई हुई थी येलो जैकेट और एक जो है वो पीले रंग की येलो रंग कलर की एक जैकेट पहनाई हुई थी एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट और तिनकों का बना हुआ एक हैट भी उसको जो है वो पहनाया हुआ था ठीक है जी अब मैं नीचे इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ अभी हम नीचे आगे चलते हैं तो वाइल रीडिंग इन वट वेज इज पी पी और ए पी एन इंटरेस्टिंग और एन अनयूल करेक्टर अच्छा किन अंदाज से जो है वो एपी जो है वो आपको एक बहुत ही अनयूजअल जो है वो करेक्टर नजर आता है उसको बयान कीजिए इन वट वेस इज एपी एन इंटरेस्टिंग और एन अनयूल करेक्टर किन अंदाज़ से जो है हम ऊपर डिटेल में पढ़ के आए हैं कि उसने अब इसका आंसर आपने कैसे करना है कि एक तो उसकी स्टॉकिंग आप देखें एक और कलर की एक और कलर की है फिर उसने ब्लू कलर के जो है ना कपड़ों के अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म के किसी और कलर के पैचेज लगाए हुए हैं ठीक है फिर वो वही जूते जो है वो लेकर जो है वो बड़ी हुई है मतलब पहले वो उसको बड़े होते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बड़े होते होते वो जूते उसको जो है वो पूरे आ गए फिर इसी तरह जो है ना उसने अपने बंदर को भी जो है वो आ, डिफरेंट किस्म के जो है ना वो कपड़े पहनाए हुए हैं ठीक है और यूनिक सा एक जो है ना वो स्टफ़ दिया हुआ है इन सारी चीज़ों की वजह से हमें पता चलता है कि वो एक जो है वो यूनिक करैक्टर है ठीक है या जो है वो अनयूजल करैक्टर है सो so, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे ई और पी पी वॉकड द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक EP or PP walked along the street with one foot on the sidewalk sidewalk yani वॉकड वो चल वो चली अलॉन्ग द स्ट्रीट गली के अंदर या गली के साथ विद वन फुट एक पाँव के साथ ऑन द साइड वॉक जो साइड पे चलने वाली जगह होती है उसके ऊपर यानी मुराद यहाँ पे ये यह है कि एक पाँव के ऊपर जैसे बच्चे स्टापू खेलते होते हैं तो उसमें उछल कर जो जा रहे होते हैं एग्जैक्ट उस कंडीशन को बयान किया जा रहा है एंड द अदर इन द गटर और दूसरा पाँव गटर में टॉमी एंड का वॉचड एज़ लॉन्ग एज दे कुड सी हर टॉमी और का उसको देख रहे थे इतनी देर तक कि जितनी देर तक उसको वो देख सकते थे यानी गटर से मुराद ये यह, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि एक पाँव उसका जो है वो सड़क के ऊपर था और एक पाँव उसका नाली के अंदर था नाली के अंदर जो है वो तो जैसे आम बच्चे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो बच्चे आम जो है ना वो बाहर होते हैं ये जो झुगियों वाले जो लोग होते हैं तो आप गौर करें तो उनके पास बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो वो क्या कर रहे होते हैं कोई नाली के पानी के साथ भी जो है वो खेल रहे होते हैं और अपनी एक, एक एक्टिविटी उन्होंने क्रिएट की हुई होती है बिल बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ जो है इसकी भी हालत है कि एक पाँव जो है वो उसके ऊपर है और यूयली जो है ना वो अब इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे उछल कर जो है ना वो लैपिंग करते हुए तो दोनों जो है ना बेसिकली यहाँ पे उसने एक अपना जो है ना वो एक चलने का स्टाइल बनाया हुआ है तो जो हमें राइटर जो है ना वो यहाँ पर बयान करना चाह रहा है जो इसके अंदर लिखा हुआ है जो तर्जमे के अंदर है वो एक्जैक्ट ये है कि एक पाँव उसका साइड वॉक के ऊपर होता है यानी जो पेवमेंट होता है सड़क के किनारे या गली के किनारे एक उसके ऊपर होता है और एक जो है वो गटर के अंदर यानी कि वह जो साथ, साथ जो नाली चल रही होती है उसके अंदर होता है यहाँ गटर से मुराद जो है ना वो ये बनेगा तो टॉमी एंड एनिका वॉच ये मैं आपको बता चुका हूँ जी एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर जितना वो उसको देख सकते थे इन अ लिटल वाइल्ड शी केम बैक उसी दौरान वो वापस आई एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड अब वो उल्टा चल रही थी दैट वॉज बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम क्योंकि वो घर जा जाने के लिए मुड़ना नहीं चाहती थी वेन शी रीस्ड टॉमीज़ एंड एनी एनिका गेट एन ही गेट शी स्टॉप्ड। जब वो उनके गेट के पास पहुंची, शी स्टॉप्ड वो रुक गई द चिल्ड्रन लुकड एट ईच अदर बच्चों ने एक दूसरे के ऊपर देखा इन साइलेंस खामोशी में एट लास्ट बिल आखिर टॉमी स्पोक टॉमी बोला वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड तुम उल्टा क्यों चल रही हो तुम उल्टा क्यों चल रही हो अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पर तो अब तस्वीर के अंदर देखें जैसे चीज़ें मैंने आपको बताई थी एज़ इट इज़ वैसी कि वैसी आपको नज़र आ रही तो बैकवर्ड सैड जो है ना वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड उसने दोबारा जुमला उनका दोहराया अच्छा मैं क्यों उल्टा चल रही हूँ सैड इ और पी पी ने जो है ना वो कहा इजेंट दिस अ फ्री कंट्री क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है काट अ पर्सन वॉकड एन एनी वे शी वॉन्ट्स टू क्या एक आदमी बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकता जैसे वो चाहता है अच्छा यहाँ पे जो है ना वो चूंकि फिक्शनल करेक्टर है तो स्वीडिश राइटर ने यहाँ पर जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर जैसे जोनेथन स्विफ्ट का गिलीवर्स ट्रेवल है ना तो उसके अंदर उसने जो है ना आप में से जो एम इंग्लिश कर चुके हैं वो इसको जानते होंगे और जिन्होंने आगे अभी एम इंग्लिश करना है और वो इसको लाजमी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी उसने जो है ना इंग्लैंड की पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है तो वो जैसे इंग्लिश की इंग्लिश पॉलिसीज़ के ऊपर या इंग्लिश पीपल्स की पॉलिसीज़ के ऊपर जो है ना वो जो है वो या ब्रिटिश पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो सेम एज़ ये भी जो है वो एक तरह से यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड के जो है वो पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि एक जो अमीर आदमी है वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना जैसे मर्ज़ी चले और एक गरीब आदमी कैसे नहीं चल सकता इसमें ये माना छुपा हुआ है लेकिन ये माना आप अगर किसी सतह पे जो है वो उसी क्लास को आप दो साल बाद अगर तीन साल बाद पढ़ाते हैं पाँचवीं छठी में आके तो फिर बेशक आप ये चीज़ बता सकते हैं उनको लेकिन छोटे अगर उनको बता देंगे तो चलें एक नॉलेज के तौर पे उनके पास चीज़ रह जाएगी फिर जो ज़रा अच्छे बच्चे होंगे वो याद रख लेंगे जो ज़रा होंगे उनको आप जो है ना वो साइड नॉलेज के तौर पर या जो है ना वो इनफर मीनिंग्स uh, के तौर पर या इनफर नॉलेज के तौर पर आप जो है वो या कॉन्टेक्स्ट मीनिंग के तौर पर बता दीजिएगा लेमी टल यू मुझे बताने दीजिए या मैं तो मैं बताती हूँ डैट इन इजिप्ट के मिसर के अंदर एवरी हर कोई वॉक्स दैट वे वो अपनी मर्जी से चलता है एंड नो बॉडी थिंक थिंक्स और कोई नहीं सोचता इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज के और ना ही कोई उसको अजीब समझता है ना ही कोई उसको इस तरह सोचता है और ना ही कोई इसको अजीब समझता है ठीक है जी हाउ डू यू नो कैसे तुम जानती हो आस्क टॉमी टोमी ने कहा यू हैव नेवर बीन टू हैव यू क्या तुम कभी जो है ना वो मिस्र नहीं गए या तुमने कभी इजिप्ट का जो है वो की सैर नहीं की या नहीं देखा हैव यू क्या तुमने आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट मैं कभी जो है वो इजिप्ट नहीं गया इन डीड आई हैव और ना ही जो है ना वो मुझे ज़रूरत पड़ी है वहाँ जाने की और दैट्स वन थिंग मुझे जो एक चीज़ समझ में आती है यू कैन बी श्योर ऑफ़ आपको इसका यकीन होना चाहिए आई हैव बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने तो पूरी दुनिया देखी है एंड सीन मैनी थिंग्स और कई सी, कई चीज़ें देखी हैं स्ट्रेंजर अजीबो गरीब दैन पीपल वॉकिंग लोगों के जो है ना वो चलने से बैकवर्ड पीछे की जानब मैंने तो लोगों के जो है ना वो पीछे चलने के बजाय और कई जो है वो स्ट्रेंज चीज़ें देखी हैं आई वॉन्डर मै मेरा ख़्याल है वट यू वुड हैव सेड जो आपने कहा है इफ़ आई हैड कम अलोंग वॉकिंग अगर मैं ऐसे जो है वो चल रही हूँ ऑन माई हैंड्स अपने हाथों पर द वे या अपने रास्ते पे दे डू इन फादेस्ट एशिया तो ऐसे ही जो है ना वो दूर दराज के एशिया के अंदर भी जो है वो लोग ऐसे ही करते हैं नाओ यू मस्ट बी लाइंग अब तुम झूठ बोल रही हो सैड टॉमी टॉमी ने कहा अब तुम झूठ बोल रही हो सैड टॉमी टॉमी ने कहा इपी और पी 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 थॉट फॉर अ मोमेंट पी पी ने कुछ देर का तोफ़ किया या कुछ देर सोचा या कुछ लम्हे का को जो है वो सोचा योर राइट right. तुम ठीक कहते हो शी सैड सैडली उसने जो है वो गमगीन आवाज़ के साथ या गमज़दा जो है वो बात के साथ कहा आई एम लाइंग मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ मतलब इसमें सैडली के जो है ना वो माना आ रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो जो डिटेल बताई जा रही है उसके अंदर जो है ना वो तो यहाँ बुनियादी तौर पे जो है ना अब दो चीज़ें समझने वाली हैं जो मैं आपको टीचर्स और पेरेंट्स को समझाना चाह रहा हूँ बच्चों को आप बेशक इसको जो है ना उस पर आपका अपना जो है ना वो नॉलेज क्लियर होना ज़रूरी है यहाँ पर आप गौर कीजिए कि जो जो आपका राइटर है ना जिस राइटर ने ये स्टोरी लिखी है वो राइटर जो है वो इजिप्ट के बारे में भी जानता है वो फारद जो है वो एशिया के बारे में भी एशिया के बारे में भी जान जानता है और उसकी वजह से यहाँ पर यह सारी की सारी डिटेल जो वो बयान हुई है या ये सारी की सारी जो बात है यहां पर बयान हुई है इस बात की जो है वो जो सिलसिला है या इस बात को जो बयान किया, जो जो किया गया है ये सारे का सारा राइटर का जो नॉलेज है और राइटर की जो नॉलेज टेक्निक है उसको बयान करता है कि राइटर के पास इतना नॉलेज है और यहां पर जो है ना वो यहां पर हमारा जो है ना वो पार्ट टू एंड हुआ और नेक्स्ट आपकी खिदमत में पार्ट थ्री के साथ जो है ना वो हाज़र हूँगा सो so, लेमी गो नाउ एंड दोबारा आपसे अर्ज़ ये है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप कोई चीज़ जो है वो ख़ुद से करवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में लाइकी के आगे जो है ना वो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है आप उस पर जो है ना वो गाइडेंस ले सकते हैं सो लेमी गो नाओ एंड सी विद मी डू सम मोर फार ह्यूमटी इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और